दोस्तों अगर आप भी हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले ही मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने आकर गुजरात जायंट्स की टीम के छक्के छुड़ा के रख दिए। कैसे दोस्तों चौके व छक्कों की बारिश करते हुए आज हरमनप्रीत कौर ने लगभग धोनी जैसी बैटिंग कर दी। आपको उनकी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आज 4 मार्च से वुमेन्स प्रीमियर लीग का आगाज बड़े जोरों शोरों से हो चुका है डीवाई पाटिल स्टेडियम से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज ही वो ऐतिहासिक दिन है जब वुमेन्स के आईपीएल का आगाज हुआ है। ये पहला मुकाबला सीजन का गुजरात जायंट्स और साथ ही साथ मुंबई इंडियंस की टीम के बीच में खेला गया। दोस्तों गुजरात की टीम के कप्तान जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम की जबरदस्त खिलाड़ी मोनी हैं, तो उधर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस वुमेन टीम की कप्तान बन चुकी है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है तो गुजरात की कप्तान मोनी टॉस जीतती हैं और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनती हैं। और दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि गुजरात जायंट्स की टीम की शुरुआत बेहद ही उम्दा रहती है। पारी के तीसरे ओवर में दोस्तों यस्तिका भाटिया का विकेट जो मिल जाता है गुजरात की टीम को, लेकिन ये विकेट कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है गुजरात की टीम पर ही, क्योंकि दोस्तों इसके बाद दो दिग्गज फॉरनर खिलाड़ी यानी कि हैली मैथ्यूज और ब्रंट मिलकर मात्र 7 ओवर के अंदर टीम के स्कोर को 70 तक पहुंचा देते हैं। इसमें हैली मैथ्यूज 31 में 47 तो ब्रंट भी 18 में 31 रन लगाकर गए। और दोस्तों फिर एंट्री होती है भारतीय कप्तान और मुंबई इंडियंस वुमेन्स कप्तान भी हरमनप्रीत कौर की, जो कि सबका अटेंशन अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं और ऐसे चौके व छक्के जड़ती हैं कि देखकर हर कोई दंग रह जाता है। दोस्तों हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी की शुरुआत ही चौकों से होती है और फिर तो मानो वो रन लेना ही भूल जाती है, क्योंकि दोस्तों हरमनप्रीत के बल्ले से हर एक शॉट चौके में जो तब्दील हो जाता है। अब आप एक इसी आंकड़े को सुनकर दंग रह जाएंगे कि दोस्तों हरमनप्रीत कौर अपनी 22 गेंदों की पारी में पूरे 11 चौके ठोक देती हैं, जिनमें दोस्तों खास तौर पर ज्यादा धुलाई हरमनप्रीत कौर करती हैं स्नेह राणा और मोनिका पटेल की। बैक टू बैक चौके लगाकर एक ऐसा भी ओवर आता है जब दोस्तों हरमनप्रीत कौर मात्र 4 गेंदों के अंदर 16 रन अपने नाम करती हैं। इतना नहीं दोस्तों, पारी के 16वें ओवर में भी गार्डनर के ओवर में भी हरमनप्रीत कौर बैक टू बैक 3 चौके जड़ती हैं और इसी ओवर में अपनी पारी की 22वीं गेंद पर दोस्तों हरमनप्रीत कौर अपना 50 पूरा करती हैं बड़े ही शानदार स्टाइल में चौका जड़कर। दोस्तों हरमनप्रीत कौर केवल अपने 50 तक नहीं रुके, आगे चलकर दोस्तों हरमनप्रीत कौर ने 200 के स्ट्राइक रेट को 250 में तब्दील कर दिया और 13 चौके जड़कर मात्र 25 गेंदों के अंदर 60 रन बना दिए थे, जिसके चलते मुंबई की टीम का स्कोर मात्र 15 ओवर के अंदर 170 तक पहुंच गया था। उधर दोस्तों क्रीज के दूसरे छोर से न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी एमिलिया ने भी 13 गेंदे 25 रन लगाए और दोनों ने मिलकर टीम को फिर 200 तक पहुंचाने की ठान ली। लेकिन दोस्तों वाकई में सलाम है हरमनप्रीत कौर की पारी को। सीजन का पहला मुकाबला और इतनी धमाकेदार बल्लेबाजी केवल हरमनप्रीत कौर ही कर सकती हैं। खैर दोस्तों, आप सभी हरमनप्रीत कौर की इतनी तूफानी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।